बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप सभी अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी उस भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से जो है बवाल मचा हुआ है। इस भर्ती के अंदर आरक्षण को सही व्यवस्था रूप से नहीं लागू करने, आरक्षण में गलत तरीके से इसमें प्रभावी करने या तरह तरीके इसमें आरोप लग रहे हैं और ये 69,000 की जो शिक्षकों की भर्ती है वो अभी तक कभी संपन्न पूरी नहीं हो रही है। इस बात को लेकर आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी संज्ञान लिया और बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी के करीबी सांसदों में से एक गिरीश चंद्र, जो कि आपको की कोशिश करें नगीना से जो सीट है वहां से चुनाव जीतकर आए, उन्होंने भी आज मुख्यमंत्री को इस मामले में ज्ञापन लिखा। उन्होंने क्या कुछ अपने ज्ञापन में लिखा है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि गिरीश चंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पर इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने पत्र साझा करते हुए उसमें लिखा है कि महोदय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ, आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सामान्य वर्ग के लिए 65, पिछड़े वर्ग के लिए 60 प्रांतों के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 1,45,000 कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हुए हैं, जिनकी काउंसिलिंग योग्यता के आधार पर करते हुए 69,000 पदों पर अंतिम रूप में मेरिट के आधार पर आरक्षणों के नियमों का पालन करते हुए चयन होना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एससी एसटी ओबीसी और कम्युनिटी को सीट देना आरक्षण नहीं है देंगे, इसलिए आपको बताने की कोशिश करें तो जनरल कट ऑफ से भी कम होगा। अगर आप उन एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों को एससी एसटी के अभ्यर्थी को कट ऑफ से कम होगा और उनको देंगे तो जनरल के नंबर ज्यादा होंगे, तो ऐसे हालात के अंदर जो ये पूरी प्रक्रिया है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही सहायक अध्यापकों की इस भर्ती में आरक्षण नियमावली का पालन निश्चित रूप से चयन प्रक्रिया में किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ जो है वो बर्खास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के साथ ये अन्याय होगा। तो यानी कि आरक्षण और 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर आज बसपा की तरफ से यह ज्ञापन लिखा गया है और आपको बता दें कि बीएसपी ने इसमें संज्ञान लिया है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।